रुड़की जिलाधिकारी द्वारा नए एसओपी जारी होने के बाद पुलिस ने तय समय के बाद दुकानें खोलने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। जहां पुलिस ने बाराबस्ती बाजारों को बंद करवाया, वहीं अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर भी पुलिस ने कार्रवाई करती दिखाई दी। शंकर द्वारा जिले के बाजारों में आवश्यक दुकानों खोले जाने का समय दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया था। नई एसओपी जारी होने के बाद आज बाजारों में लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लॉकडाउन की आशंका के चलते बाजारों में खरीदारी करते नजर आए तो इस कारण बाजारों में जाम की स्थिति बनी रही। वहीं दोपहर 12 बजे तक का समय पूरा होने के बाद पुलिस ने बाजारों को बंद करवाना शुरू कर दिया। दुकानदारों को सख्त इत्यादि देने के साथ दुकानें बंद करवाई गई। वहीं कुछ दुकानदारों पर चालान की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की गई। इसके साथ ही अनावश्यक घूम रहे लोगों को भी पुलिस ने रोक कर चालान किया। द्वारा जारी की गई एसओपी के अनुसार रेस्टोरेंट और ढाबों में बैठा कर खाना खिलाने पर प्रतिबंधित है। केवल होम डिलीवरी की अनुमति ही दी गई है। आज सपना टाकिज के नज़दीक एक ढाबा संचालक करीब 10 से 12 लोगों को बिठा कर खाना खिला रहा था। एसआई गंगनैर देवराज शर्मा ने पुलिस बल के साथ ढाबे पर पहुंचे। इस दौरान ढाबे में खाना खा रहे लोग खाना छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ढाबा संचालक को कड़ी फटकार लगाने के साथ उस पर चालान की कार्रवाई की। वहीं दूसरी ओर रामपुर चुंगी पर छोले भटूरे की दुकान में मार्बल की दुकान खुला देखकर सभी को अवगत कराया जा रहा है कि आज 12 बजे तक ही मार्केट खुलेगा। 12 बजे के बाद सभी दुकानें वगैरह बंद रहेंगी। ये नोट कर लें सभी, ये सभी नोट कर लें, 12 बजे के बाद कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। ये इस चीज को मकान से लिए बाहर निकालकर और उसमें आज ये नहीं पता था कि 12 बजे तक खुलेंगी। टेलीकॉम वाले भी जो सरकारी विभाग के जो बीएसएनएल या कंपनियों वाले हैं उनकी कंपनियों में आएंगे और जाएंगे, उसके लिए आवागमन लिखा उसमें बताया था। तो आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको हम बता दें कि आज जिले के अंदर 12 बजे तक की दुकानें खुलने का समय था, जिसको लेकर गंगनैर कोतवाली पुलिस ने आज क्षेत्र में कई लोगों के चालान काटे हैं और कई लोगों पर कार्रवाई करी है। आप देख सकते हैं कि पीछे टेलीकॉम सेवाएं जो अपनी 12 बजे के बाद भी दे रहे थे सिम कार्ड बेचने वाले, उनके चालान यहां पे काटे जा रहे हैं मालवीय चौक पर। लगातार गंगनैर पुलिस ने क्षेत्र में जाकर सभी दुकानें बंद करवा दी हैं जो अनावश्यक रूप से खुली हुई थी। सिर्फ मेडिकल की दुकानें ही खुलने के जो निर्देश हैं उन्हीं को खोला जाएगा। कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्वयं रुड़की जो पुलिस के सीओ साहब हैं वह और जो गंगनैर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक हैं वह साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। जो कि दुकानें क्षेत्र में खुली हुई है उन्हें बंद करवाया जा रहा है, क्योंकि अब जो शासन की नई गाइडलाइन आई है वो 12 बजे तक दुकान खोलने की आई है। सिर्फ जरूरी दुकानें खुली रहेंगी और अनावश्यक रूप से जो दुकानें खुली हैं उन्हें बंद करवाया गया और 25 चालान अभी तक काटे गए हैं। हमारे साथ सीओ साहब हैं बीएस चौहान साहब, इनसे बात करेंगे। सर आज आपने क्षेत्र में लगातार गंगनैर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, आप भी क्षेत्र में दौरे पे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को आप? ये हैं सभी लोग जो है जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसका अक्षरतः पालन करें और कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से रोड पर ना घूमें। जब कोई विशेष काम हो, इमरजेंसी हो, डॉक्टर की सलाह वगैरह डॉक्टर के पास जाना हो तो उन चीज़ों में ये छूट, विशेष छूट दी जा सकती है। बाकी अनावश्यक रूप से जो भी घूमता मिल रहा है उनका चालन किया जा रहा है और सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी मास्क धारण करें। सर हम देख रहे हैं कि कई जगह पुलिस दुकानें बंद करवा दे रही है, लेकिन चोरी छिपे दुकानदार अपना सामान बेच रहा है और पुलिस के चले जाने के बाद फिर दुकान का शटर खोल के चोरी छिपे बेच रहा है, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? उस चीज़ को सभी दुकानदारों से ये वो है कि ये इस तरह का कार्य ना करें जिससे जो है कोविड के जो नियमावली उसका उल्लंघन हो और फिर आपको जो है उसमें चालान आपका किया जा सके, तो इस तरह का कार्य ना करें। उनके लिए ये अपील है कि आप इस तरह के कार्य ना करें, चोरी छुपे कोई इस तरह का कार्य ना करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उनका भी पालन करें और जनता जब और लोग घरों में है तो आप भी जो है दुकानें बंद करके घरों में रहें, जो निर्णय है उसका पालन करें। सर लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि कई लोग इतने पैनिक हो रहे हैं कि सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर जिनके मरीज भर्ती हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, वो प्लांट पे जाके खड़े हो रहे हैं, जहाँ पे मिलते हैं वहाँ जाके खड़े हो रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा, उस चीज़ को लेकर आप? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह वाली जहाँ तक बात है तो प्लांट पे भी हमने पुलिस वगैरह लगा रखी है, वहाँ भी ये है कि ब्लैक में ना मिले ये चीज़ें हैं और वहाँ
जो जा रहे हैं इमरजेंसी में उनकी हेल्प की जा रही है पुलिस के द्वारा वहाँ पर।